तो फिर हेलो मेरे भाइयों और तुम्हारी होने वाली बेसियों के भैंसों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से बना चुके हैं पादमारू गेम प्ले में, देन भाई लोग फाइनली यहाँ पर अपना हैशटैग 3 भी हो चुका है और हैशटैग 2 भी हो चुका है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको हैशटैग 3 का प्रूफ दे देता हूँ। तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी रैंक सिंपल सी हैशटैग 3 चल रही है। अब भाई देखो यहाँ पर सीन क्या हो रहा है कि जैसे मैं थोड़ा सा ऑफलाइन होता हूँ वीडियो बनाने के लिए, वैसे दूसरे बंदे खेल के मेरे से आगे निकल रहे हैं। अब भाई देखो यहाँ पर वीडियो बनाने के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह रहा हूँ, लेकिन आपके लिए भाई हमेशा मैं कंटेंट लाता रहूँगा ताकि आपका भी कॉन्करर हो जाए, भले ही मेरा हैशटैग 1 हो या ना हो। बिकॉज मेरे को हैशटैग 1 के लिए कुछ ही पॉइंट की जरूरत है। अब फिर से मेरे को 2-3 घंटे लगेंगे इस चीज़ में वीडियो बनाने में। अब भाई इसके चक्कर में क्या सीन होता है कि मेरा जो हैशटैग 1 है वो रह जाता है और हैशटैग 1 वाला भी और ज़्यादा पॉइंट प्लस करता रहता है। अब भाई इसी रीजन से अपना हैशटैग अभी तक नहीं हो पाया है, वरना अभी तक आराम से हो जाता है, हैशटैग 2 हो चुका है। लेकिन भाई आज फिर से अपना ट्राई रहेगा कि हैशटैग 1 जल्द से जल्द अपन कंप्लीट कर ले। बाकी भाई लेजेंड खेल के इतना ज़्यादा ऊपर आने के बाद मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज़ मांगना चाहता हूँ यार, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो डुओ वालों को, बिकॉज इतने बंदे डिमोटिवेट हो चुके हैं, आपका 1% भी सपोर्ट नहीं रहता है। सो भाई अगर आप मेरे को कोई भी देख रहे हैं ना, आप में से हर एक बंदा एक सब्सक्राइब कर दो, आपके सब्सक्राइबर के 1 रुपये भी नहीं लगेगा। यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा आपके 1 सब्सक्राइबर से और 1 लाइक से। भाई सोचो हैशटैग 3 पर बैठा हो, कितना घंटा खेलूंगा और मेरी क्या हालत होगी। वीडियो बनाओ खेलो भाई, बाकी बंदे तो वीडियो तक नहीं डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए डेली कंटेंट भी लाता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं कैसे यहाँ पर पुश कर रहा हूँ और कैसे प्लस करना है, दिन में कितना प्लस लेना है। देन भाई इतना जब करने के बाद में भी अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, तो भाई मैं आपको क्या ही बोलूं यार। देन भाई बात कीजिए इस गेम प्ले की, तो सिंपल से हमको BRDM मिल चुका था। अब यहाँ पर सिंपल से हम होल्ड करे थे तभी एक यहाँ पर बग्गी आता है। और भाई इसी के साथ इस बग्गी वाले को तो इजी तरीके से यहाँ पे हम मार देते हैं। देन भाई देखो अभी फिलहाल जो है ना हैकर बिल्कुल भी आने बंद हो चुके, बहुत ही कम आ रहे, ऐसा नहीं आ नहीं रहे, आ रहे लेकिन उतने नहीं आ रहे जितने फर्स्ट डे आ रहे थे। अब भाई देखो प्लस भी अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर मैं 1% भी रिस्क नहीं ले रहा हूँ नॉर्मल मोड खेल कर, मैं सिर्फ और सिर्फ इवेंट वाला खेल रहा हूँ। बिकॉज नॉर्मल मोड में अर्ली मर गए तो भाई नेक्स्ट लेवल माइनस लगता, इसलिए 1% भी ऐसा रिस्क मैं नहीं लूँगा, मैं बस इवेंट वाला खेलता हूँ। लेकिन बस यहाँ पर आप देखो अब भाई इसी के साथ मैं इस बंदे को तो यहाँ पे मार देता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा इसका निकल जाता है। लेकिन भाई देखो अगर आप इवेंट वाला मोड खेलते हो तो उसमें चिकन पर अच्छा खासा प्लस मिलता है, बाकी नॉर्मल में आपको 10 या 5 का प्लस वही देगा। अब भाई देखो अगर आपको चिकन निकालना आता है तो आप खेल सकते हो, यहाँ पर मैंने आज 10 गेम खेले उसमें से भाई 7 गेम में मेरा चिकन निकला, देन मेरे को एक अच्छा खासा प्लस मिल चुका था। देन भाई बात कीजिए आप गेम प्ले की, तो भाई लोग अब यहाँ पर देखो साला सेटिंग से ज़्यादा तो मेरे यहाँ पर जॉन धोखेबाज है, मतलब कि इतना दूर रहता है ना जैसे मैं उसको कुछ खा जाऊँगा, हमेशा साला हमेशा मेरे से दूर कटता है भाई, अब फिर से दूर कट चुका था। देन BRDM की हेल्थ बहुत ज़्यादा लेट थी, बट फिर भी यार अपन को जॉन तो जाना था और सामने वाले बंदों को गधे से घोड़े भी बनाना था। देन सिंपल से मारेंगे पाद और पाद मार के धुएं धुएं फैला देते हैं। अब भाई हम वेट कर रहे थे कि सामने वाले फाइट हो, और जैसे सामने वाले के बंदों की फाइट होती है वैसे सिंपल से यहाँ से हम निकल जाते हैं। अब देखो फाइट होगी स्टार्ट, वैसे भाई यहाँ पर हम रिस्क बिना लिए सीधा जाते हैं उन पर पुश करने के लिए। अब भाई जब भी फाइट हो उसी टाइम पर आपको चले जाना है, जैसे देखो वो फाइट में आपस में मतलब कि फाइट करते रहेंगे उसका यहाँ पर मैं फ़ायदा उठाता और यहाँ पर सिंपल से जॉन के अंदर भी आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा मैप पे धुएं कर देते ताकि कोई हम पे फायर ना ले। देन सिंपल सा इस वाली जगह पे आते हैं और ये जोन में होती है। अब भाई देखो यहाँ पर देखो इस तरीके से हर गेम में हम चिकन निकालते हैं, ये हमारा मतलब कि आपको देखो टीम वर्क के साथ खेलना पड़ेगा, ज़्यादा किल की लालच भी नहीं करनी, 5-6 किल हो रहे इनफ है यार, बस इतने किल करोगे। इसी के साथ सामने बंदा दिखा, अब इस बंदे को मैं नॉक करता हूँ, तभी बारी थी पुश की।
तो भाई लोग इसी के साथ यहाँ पर अपन को अगेन चिकन डिनर मिल चुका है। देन यहाँ पर देखो हम चुकन कैसे निकालते हैं और प्लस देख लो कि कितना प्लस मिला है, एक अच्छा खासा यहाँ पर भी अपन को प्लस मिल चुका है। अब देखो ये गेम प्ले भी आज का था थोड़ी देर पहले का, देन बात की जाए इस गेम प्ले की। अब भाई देखो सिंपल सा इस वाली जगह पर उतरता हूँ और उतरने के बाद मेरे को एक बोर्ड दिखता है। अब सबसे पहले अपन सालो केड़ी बड़े प्राणी को मारेंगे। हाँ तो भाई इसी के साथ केड़ी बड़े प्राणी को लॉबी भेज दिया है। बाकी भाई देखो इवेंट वाले मोड में तभी प्लस मिलेगा जब आप एक अच्छे खासे किल करोगे और चुकन डिनर पर फोकस करोगे। देन सिंपल सा यहाँ पर बोर्ड वोड मारने के बाद मैं बंदे ढूंढता हूँ क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मर गए तो रिकॉल हो जाएंगे। देन मेरा टीममेट मर चुका है और देन टीममेट को बोलता तू सेफ रहे, अब मैं जाता हूँ बंदे ढूंढने के लिए। तभी सिंपल सा यहाँ पर अपन को एक बंदा दिखता है। भाई देखो बंदे की मेरे को लोकेशन पता नहीं थी। देन सिंपल सा यहाँ पर आता हूँ, रुकता हूँ और यहाँ पर बंदे देखने का ट्राई करता हूँ। तभी बस फुटप्रिंट आते और यहाँ पर देखो बस अब भाई इसको मारने के बाद मैं फिर से यहाँ पर आ चुके केड़ी बड़ा देवता आ जाओ चलो केड़ी बड़ाने पे आ गए। हाँ तो भाई ऐसे बंदे हमेशा देवता, भाई देवता बोलो इसको बंदा नहीं बोल सकते, तो भाई ये अपने लिए भगवान समान है साला, हमेशा केड़ी बड़ाते हैं। तभी यहाँ पर सिंपल सा मैं फिर से लूट करने के लिए आ जाता हूँ। देन यहाँ पर एक बग्गी आता है और मेरे पे करता है पुश। अब भाई इस बंदे को तो अपन इजी तरीके से मार लेते, पता नहीं ये बंदा क्या ही सस्ता नशा फूंक रखा था, लगता है 5 रुपये का बीड़ी फूंक के आया था। इसी के साथ इसको मारने के बाद में यहाँ पर थोड़ा बहुत नचाएंगे तड़फाएंगे, उसके बाद साला फिनिश करेंगे, ऐसा थोड़े फिनिश करेंगे। तो भाई इसी के साथ इसको फिनिश करने के बाद यहाँ पर मेरे को सामने से कुछ बंदा दिखता है। नहीं नहीं साला ये भी देवता है, केड़ी बड़े देवता। तो भाई अगर ऐसे ऐसे देवता आते रहेंगे ना अपनी लॉबी में तो भाई जिंदगी तो भाई #1 तो ऐसे ही हो जाएगा हलवे की तरह। तो भाई इसी के साथ इसको मारने के बाद यहाँ पर सिंपल सी बात की जाए आपको कैसे खेलना है। तो भाई हो सके तो इवेंट वाला खेलना, अगर क्राउन के नीचे हो तो भाई नॉर्मल मोड खेलना, रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड लगाकर ही खेलना। बाकी देखो एस पर अगर चैलेंज मोड बचे तो ही भाई जाना नॉर्मल मोड में, बिकॉज नॉर्मल मोड में हैकर अच्छे खासे आ रहे हैं, इसलिए भाई मैं नॉर्मल मोड को पूरे का पूरा अवॉइड करता हूँ। देन देखो सिंपल सा नेक्स्ट जॉइन भी कर चुका था, हम जॉइन के लिए भी रवाना हो चुके। अब भाई देखो हमें कैसे खेल रहा हूँ, कैसे हर गेम में चिकन निकाल रहा हूँ, अब सिंपल सा आपके सामने सब कुछ प्रूफ। अब भाई देखो #3 जाना भी कोई इतना ईजी नहीं है, बहुत सारे बंदों का कॉन्करर नहीं हो रहा, ऐस तक नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पर #3 पर बैठा हूँ भाई, बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर आता हूँ, होल्ड करता हूँ, मेरा टीममेट एक नॉक देता है, देन सीधा बारी थी यहाँ पर भी पुश की। अब भाई देखो सिंपल सी आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि देखो कॉन्करर एक बंदे से नहीं होता है, जब आप डुओ में पुश करते हो दोनों बंदे अगर अच्छे से खेलते हैं ना, अगर आप अपने टीममेट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं बिठा पाते हो, अगर आपका सही गेम नहीं जाते तो आप किसी और के साथ खेल के ट्राई करो, हो सकता है कि उसके साथ आपके सही गेम जाए। तो सिंपल सा इसके साथ यहाँ पर आते हैं अपन जोन के अंदर, लेकिन भाई जोन में आने से पहले मेरा टीममेट बग्गी पे था। देन यहाँ पर सबसे पहले स्मोक करते इस वाले पत्थर पे, आप इस वाली जगह पे आ जाते हैं, तभी सामने से एक BRDM आएगा और साला BRDM का पूरा किल मेरा होता है, नहीं ऐसा साला मैं बोल सकता हूँ, लेकिन साला मेरा टीममेट यहाँ पे किल चुरा लेता है। अब सिंपल सा देखो सामने से कुछ BRDM आया है, अब BRDM वाले को मैं थोड़ा सा देखो साला पूरा का पूरा मेहनत मेरी है, टीममेट पीछे से एक दो गोली मारता साला किल चुरा लेता है, लेकिन कोई बात नहीं साला आगे जाके लास्ट किल अपन ही लेंगे और एक चुकन डिनर के साथ एक अच्छा खासा प्लस भी लेंगे। देन अब भी बोल रहा हूँ भाई अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है सपोर्ट के लायक है ना, तो प्लीज़ हो सके तो कर देना, बिकॉज #3 इतना ईजी नहीं होता है। सो भाई हो सके तो प्लीज़ सपोर्ट करना, बिकॉज लेजिट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सो इसी के साथ मेरे टीममेट जैसे एक बंदे को नॉक करता है, वैसे भाई यहाँ पर बारी थी पुश की। देन भाई इसी के साथ बंदा सामने वाला बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा था, लेकिन अपन यहाँ पर साला लालसी है चुकन डिनर के सालों सेटिंग से ज़्यादा, तो चुकन की अपन को लालस होती है। देन इस वीडियो में बस इतना ही, मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर रखा हो।